सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब लोग। और अभी हम जा रहे हैं गऊकरण, ये पहचान लो भाई, गलियां किसी को पहचान में आ रही हों तो कहाँ पहुँच गए हैं हम। हम पहुँच गए हैं माता दरवाज़ा, ये माता दरवाज़ा चौक है, वहाँ पहुँच गए थे हम। ये देखो भाई, ये डॉक्टर है, इस डॉक्टर पे हम छोटे थे तब जाया करते थे, तब पापा इसी डॉक्टर के पास लेके जाते थे अर्पित मनचंदा क्लिनिक, क्योंकि इसकी एक ही खासियत थी, इंजेक्शन नहीं लगाता था, तो हम इसी के पास जाया करते थे। बहुत पहले जाते थे इन गलियों में, फिर से चले जा रहे हैं और आ गए भाई गऊकरण धाम। ये एंट्री है गऊकरण धाम की, यहाँ से हम चल पड़े थे अंदर गाड़ी पार्क करके। और ये देखो भाई, निक्कर कैपरी पहनकर डेरे में आना मना है, मतलब हम एक सिंपल कपड़ों में, जो हमारे प्रॉपर शरीर हमारा ढका हुआ हो वैसे कपड़े पहनकर हमें मंदिर में आना होता है, और अंदर जाकर तो हमें सिर भी ढकना होता है, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो औरत हो, सबको सिर भी कवर करना पड़ता है अंदर जाकर। ये देखो भाई अंदर का व्यू आपका, यहाँ हमने जूते निकाल दिए थे, जूता घर था तो हमने अपने अपने शूज़, चप्पल, जूते, जो भी जिसने पहन रखे थे वो यहाँ निकाल के फिर हमने की थी अंदर एंट्री। ये देखो भाई, सबसे पहले हम जा रहे हैं सामने हॉल में। हॉल में क्या होता है, वो मतलब सभा बैठाते हैं इधर, और शाम को जो सत्संग वगैरह होता है थोड़ा बहुत वो इधर होता है। ये देखो, जो गऊकरण डेरे के जो प्रधान हैं, जो हमारे महंत हैं, वो यहाँ बैठते हैं, वो यहाँ सबसे मिलते हैं। ये देखो, ये था अंदर से VIP पर्सन्स के लिए। ये यहाँ उसके बाद फिर हम गए, इसमें छोटा सा मंदिर था ये साइड में, शिवलिंग था इसमें, शिव जी का मंदिर लगा लो। यहाँ पर हमने शिव जी की पूजा की, प्यारा सा शिवलिंग बना हुआ था और चार कोने थे उनमें भी मूर्तियाँ लगी हुई थी। ये देखो, दिखाते हैं आपको सारी। देखो भाई, वो है सामने बाबा बैठे हुए हैं, मूर्ति है, ये पुराने महंत होंगे उनके। यहाँ पर रेयान कर रहा था पूजा भाई, मत्था टेक रहा था वो भी भगवान के आगे। ये देखो भाई, बिल्कुल ये भी नतमस्तक हो जाएगा। उसके बाद आ गए थे मंदिर की तरफ एंट्री करने रहे थे, ये आ गए भाई मंदिर की तरफ। सबसे अंदर एंट्री करते ही पहले सीढ़ियों में दोनों साइड बने हुए थे दो शेर। ये इधर जो हमारा लेफ्ट साइड में धर्मशाला थी, इधर वो हॉल आ जाता था, राइट साइड में हॉल का ही दूसरा गेट था ये। इस ऊपर जाने के बाद ये थे हमारे, देखो ये इतने सारे जो ब्लैक ब्लैक से बने हुए हैं ना, ये सारी हैं समाधियाँ। ये सबसे पहले ये है एक इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल है, ये बिजली से चलता है, जब शाम को दिन छिपता है तब इसको बजाते हैं। और यहाँ ये है समाधि है यहाँ में, जो हमारे इनसे पहले जो महंत थे उनकी समाधि है ये। और ये जो छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक से लग रहे हैं, ये उनके जो शिष्य थे उनकी समाधियाँ हैं, ये सभी समाधियाँ। ये हम इनसे पूछा था, हमें भी नहीं पता था ये क्या हैं, तो इन्होंने बताया कि ये सारी समाधियाँ बनी हुई हैं, ये सब समाधियाँ हैं। ये देखो भाई, ये मेन समाधि है इधर की, एक ये है एक और है, जो ये समाधियाँ उनकी हैं जो यहाँ पहले महंत रह चुके हैं। अभी बाबा बालकपुरी जी महंत है, ये देखो ये शीतलपुरी जी महाराज की समाधि है, ये रे। ये छोटे सा माता की मूर्ति बनाई हुई थी इन्होंने। इधर ये था मिट्टी से बना रखा था, ये जो छोटी सी दीवार आपको दिख रही है ये मिट्टी से लीप रखी थी। यहाँ ये धूना वगैरह कुछ ना कुछ, जो अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं। और इसके बाद इसके सामने ही है हमारा राधा कृष्ण का मंदिर, ये देखो ये राधा कृष्ण की बहुत प्यारी मूर्ति, और साथ में गणेश जी की थी, ये तांबे की मूर्ति थी, तांबे की। ये राधा कृष्ण हमारे और रेयान पूजा कर रहा है,
और इधर उसके साथ वाले रूम में इधर धूना लगा रखा था उन्होंने, उसके जस्ट साथ में था ये रूम, वहां पर धूना लगा हुआ था। ये देखो भाई, ये लिखा हुआ था भाई, ये रूम किसने बनवाया है। उसके बाद हम चले जाते हैं पीछे की साइड। पीछे की साइड पार्क है, पीछे की साइड पार्क बना रखा है, और वो जो साइड में रेड कलर के छत वाला जो होल दिख रहा है वो है। ये देखो पहले पार्क, ये है पार्क, यहाँ का अच्छा व्यू था, बहुत अच्छा। अपने ये जो रेड कलर के छत वाला जो होल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर कंजक वगैरह बैठाते हैं, बहुत बड़ा होल है ये। कोई भी प्रोग्राम फंक्शन होता है तो वो वहीं होता है। यहाँ पर महंत की फ़ोटो लगी हुई थी, और यहाँ पर ये देखो बहुत सारी मूर्तियाँ थी, ये भी तांबे की थी। देखो माता की चौकी की भी इसी में लगती है, और ये महंत के लिए गद्दी थी, महंत की गद्दी। और यहाँ रेहान बैठ गया था एक बार। तो उसके बाद इधर से जब हम चलते हैं तो यहाँ आता है शिव परिवार की मूर्ति बना रखी है ऊपर, थोड़ा सा लुक अच्छा बहुत प्यारा दे रखा था इन्होंने। ये देखो अभी हम जाके दिखाते हैं आपको, ये रही भाई शिव परिवार की मूर्ति। शिव और पार्वती जी हैं पहाड़ों पर बैठा रखे हैं, और उसके बाद ये है काली माँ का मंदिर, जोत जगी हुई थी, ये काली माँ का मंदिर है। बस उसके बाद हम फिर आ गए थे नीचे वापस। ये नीचे इधर इस पेड़ के नीचे हैं राधा कृष्ण, सॉरी राधा कृष्ण नहीं है, सिर्फ कृष्ण है हमारे। और ये छोटा सा शिवलिंग है, और इसके अंदर शिव परिवार भी है छोटे से मंदिर के नीचे। पीपल के पेड़ के नीचे थे ये। और जब हम उधर आगे गए तो वहाँ महंत जी का ऑफिस है, ये देखना अभी। ये है भाई महंत जी का ऑफिस, इसमें बैठे हुए थे महंत जी, बालकपुरी नाथ, महंत बालकपुरी। ये देखो इसके बाद फिर हम यहाँ से निकल गए थे, चल पड़े उसके बाद वहीं से थोड़ा सा निकलते ये प्राचीन शिव मंदिर आता है। यहाँ बच्चे खेल रहे थे, और यहाँ पर इतना बड़ा हनुमान की मूर्ति है, बहुत बड़ी, दूर से ही नजर आ जाती है ये। ये देखो भाई पहुँच गए हम मंदिर में, ये हनुमान जी की मूर्ति है यहाँ पर। इधर अंजनी माता, ये देखो अंजनी माता की। इस मंदिर में थोड़ा सा रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम आ रही थी, रिफ्लेक्शन पड़ रही थी, ये अंजनी माता का मंदिर है। और ये है पंचमुखी हनुमान का, ये देखो अभी हम यहाँ पर पूजा कर रहे थे हनुमान जी की। उसके बाद जब हम ये देखो यहाँ पर ना एक चीज़ और है इस मंदिर में, ये तो हनुमान की मूर्ति है, इनके साथ साथ जितने भी पिलर्स बने हुए थे सब पर बंदर बैठा रखे थे, बंदर की आकृति बना के वो बैठा रखी थी, और सबके पोजीशन भी अलग अलग थी, सेम नहीं थी, सबकी पोजीशन अलग अलग थी वहाँ पर। ये देखो सबकी पोजीशन आपको अलग मिलेगी। ये उसके बाद अंदर एंट्री हो जाती है। उसके बाद सबसे पहले आते हैं हमारे राधा कृष्ण जी, सबसे पहले हैं हमारे राधा कृष्ण जी हैं, ये देख कितने प्यारे हैं। सबसे पहले राधा कृष्ण, उसके बाद में फिर आते हैं, आगे देखते हैं कौन मिलता है। ये है वही हमारे पाके बिहारी जी, देखो। उसके बाद है खाटू श्याम जी। मूर्तियाँ बहुत सुंदर सुंदर थी इस मंदिर में, सच में बड़ी बड़ी और सुंदर सुंदर। ये हमारे खाटू श्याम जी, ये शिवलिंग,
ये देखो भाई, ये शिवलिंग। उसके बाद यहाँ आ जाता है गणेश जी, ये देखो गणेश जी हैं, रात साथ में रिद्धि सिद्धि हैं। उसके बाद ये है राम परिवार, राम लक्ष्मण सीता, और ये है हमारी माता रानी दुर्गा माँ। ये है दुर्गा माँ। उसके बाद हम जाएंगे नीचे, देखो अभी सीढ़ियों से जाना पड़ता है नीचे। यहाँ सीढ़ियों से जाके हमें आपको बहुत कम देखने को मिलता होगा, नीचे बहुत ऐसी चीज़ें शायद ही आपने कभी देखी होंगी। भाई मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार देखे थे। देखो अभी दिखाऊंगी आपको। ये देखो शनि मंदिर है नीचे जाके, और इस शनि मंदिर के अंदर देखना आप क्या है, ये देखो ये ना सभी ग्रह हैं हमारे, जो राहु केतु ये सब होते हैं ना, ये सब ग्रह हैं हमारे। ये देखो भाई सारे सूर्याय नमः, और ये भीमाय नमः, मतलब सारे ग्रह हैं ये। नौ के नौ ग्रह हैं, नौ ही होते हैं शायद नौ। और ये लास्ट में शनि महाराज नौवां ग्रह जो हमारा। उसके बाद यहाँ से सामने से सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियों में से ऊपर चढ़ के हमारा आता है भोले बाबा। ये साथ में पहाड़ों का लुक दे रखा था, इस पर लिख रखा था ओम नमः शिवाय, ये भोले बाबा की मूर्ति थी। ये देखो, और ये था सामने गौकर्ण का जो तालाब है, अभी सूखा पड़ा है वो, ये गौकर्ण का तालाब वो उधर।